काफी खराब लगा, काफी खराब लगा, क्योंकि एक ऐसा पेपर था जहां पे मैं कसम से बता रहा हूं, दिल पे हाथ रखकर बता रहा हूं, और क्या बताऊं मैं आपको, ये जो है ना ये इंट्यूशन की बात है, एनआईसीएल में कसम से बता रहा हूं दोस्तों, ये ना 80 प्लस अटेम्प्ट करने वाला पेपर था ये, कसम से, आप माइंड करो या ना करो वो आपके ऊपर है, बट नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। आज स्टूडेंट फरमाइश पे आज हम देखेंगे दोस्तों कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। एनआईसीएल ईओ का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो खत्म हो चुका है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है दोस्तों कि बच्चे दो धारी तलवार में लटक जाते हैं कि इधर वो प्रिपरेशन करें या किसी और एग्जामिनेशन पे ध्यान दें, तो ये ध्यान को आप मत भटकाइए। और क्या मैं कुछ कहना चाहूंगा इस वीडियो पे, ध्यान से सुनिए, कुछ अनसुनी बातें, कुछ अनकही बातें, जो छुपी हुई बातें, कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और उसी हिसाब से आप ही मुझे खुद बोल दोगे कि भैया कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो एनआईसीएल ईओ का एग्जामिनेशन मैं बता देता हूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, जिनको नहीं पता, मैं ऑलरेडी दे चुका हूं एनआईसीएल एग्जामिनेशन, कल दिया मैंने और मेरे अटेम्प्ट्स जो थे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और ये किस धारा पे इस वीडियो को बना रहा हूं, ये कौन से बेसिस में ये वीडियो को बना रहा हूं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेम्प्ट्स, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, ये कम्युनिटी पोल में एक सर्वे किया गया था, मसलन 3,500 से 4,000 लोगों ने वोट्स किया है, अभी भी वोट्स चल रहे हैं, तो मैं कुछ इंतजार में था कि अच्छा खासा सैंपल आ जाए, कम से कम 5,000 वोट्स आ जाए, बट एनीवेज जितना भी वोट मिला है उससे हम कुछ तो हिंट निकाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का, आपने लॉग इन किया है स्टूडेंट फरमाइश, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो लाल बटन को दबा दीजिए और इस चैनल का एक मेंबर हो जाइए, आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ आपको कट ऑफ वाले वीडियोस, ना कि सिर्फ एग्जाम रिव्यू के वीडियोस, ना कि सिर्फ और कुछ, बस प्रिपरेशन के वीडियोस भी आपको मिलते ही रहेंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि एसबीआई के जो प्रिपरेशन का जो सीरीज चल रहा है वो कतार में आ रहा है, डेली आ रहा है। तो एनीवेज शुरू करते हैं दोस्तों, जो मैंने एक पोल किया था, जो सर्वे मैंने बनाया था वहां पे, देखो अब ये देख के मत भाग जाना, लास्ट के वक्त में मैं कुछ बातें बोलूंगा जो आपको भी लगेगा हाँ भैया आप सही बता रहे हो, उसके हिसाब से देखो आप वेट करो, मैं बता रहा हूं आपको। देखो कल मैंने सर्वे किया था, 17 घंटा पहले किया था, मसलन अभी तक 3,500 वोट्स आ चुके हैं और 3,500 वोट्स अच्छा खासा माना जा सकता है, और मैंने जो रेंज दिया था इसमें आप देख सकते हैं 67 to 72 21% लोगों ने वोट किया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 80 से ज्यादा अटेम्प्ट्स किया है, यानी 29% से भी ज्यादा लोगों ने 80 से ज्यादा अटेम्प्ट्स करके आया है। मतलब इस हिसाब से थोड़ा मैं अगर बात करूं, थोड़ा आगे चलते हैं, देखो यहां पे आपको यह भी गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि कंपनी सेक्रेटरी, हालांकि छोड़ो, जो ज्यादा बच्चों ने डाला है जो एग्जाम वो है जर्नलिस्ट वाले के पोस्ट में, है ना, तो 245 पोस्ट निकला था जर्नलिस्ट में। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि एनआईसीएल के जो रिक्रूटमेंट के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वहां पे 15 times, माइंड यू 15 times नंबर ऑफ वैकेंसीज को लिया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हिसाब कर लो, 15 into ये कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे, हिसाब कर लेते हैं 245 का 15 times, 15 75 60 67 6 30, यानी इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ इतने बच्चों का 3,675 बच्चों का सिलेक्शन होगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड माइंड यू माय डियर, दिस इज ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, इसका एक ही एकमात्र कट ऑफ निकलेगा, वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा, यानी 3,700 बच्चों का सिलेक्शन होगा इस बार ऑल ओवर इंडिया। तो उस हिसाब से बता सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। अब और एक बात कर लेते हैं, मैं 3-4 पॉइंट्स को यहां पे मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी को समझा दूंगा। सबसे पहला चीज है लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ एग्जाम, एंड लेट मी टेल यू माय डियर, लेवल ऑफ एग्जाम वाज मॉडरेट, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। दूसरा चीज है दोस्तों वैकेंसीज, वैकेंसीज आप, मैंने अभी बताया आपको 3,700 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब तीसरा चीज है एक्यूरेसी कैसा बनाया है बच्चों ने, एक्यूरेसी कैसा बनाया है बच्चों ने और अटेम्प्ट्स क्या बनाया है बच्चों ने, है ना, तो ये सब चीजों को हम देखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ चीजें पूरा जो कहते हैं ना पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, और मैं खुद भुक्त भोगी हूं उस चीजों का, तो मैं खुद वो करता था पहले, एक साल पहले, डेढ़ साल पहले, हालांकि अब तो जॉब हो चुका है, एनीवेज एक साल पहले मैं ये काम करता था, और मैं समझता हूं कि ये काम कुछ बच्चे अब भी करते हैं, क्या काम है वो मैं बता देता हूं। आजकल आपको पता होगा दोस्तों कि एक साल से अटेम्प्ट जो है वो बच्चों का बढ़ रहे हैं,
अटेम्प्ट जो हैं वो कैंडिडेट्स का बढ़ रहे हैं, मतलब वो ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट्स करके आ रहे हैं। नो डाउट कि हमारे जो जूनियर्स निकल रहे हैं दे आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड गाइज, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा छलांग कैसा हो गया कि हम पहले 60 बनाते थे आजकल हम 80 बना के चले आते हैं। एंड माइंड यू 20 नंबर्स का 20 क्वेश्चंस का फर्क जो होता है दोस्तों जेंटलमैन, ये काफी हेल एंड हेवन का फर्क होता है, तो आप समझिए इस बातों को। मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए अटेम्प्ट्स ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि एक साल पहले की बात करता हूं, 2017 बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन यानी एसबीआई नहीं निकलने से पहले, यानी 2017 को भी पकड़ लो आप, तब सेक्शनल टाइमिंग नामक कोई चीज नहीं था, तो उसमें हम क्या करते थे, हम रीजनिंग बना देते थे, मैथ्स बना देते थे और इंग्लिश को हम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या कई बच्चे तो 7 मिनट में सेक्शनल बस पार करके निकालना था। सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, सेक्शनल कट ऑफ था, तो बस ये निकालने के चक्कर में बस हम सिर्फ 7 मिनट या 10 मिनट दिया करते थे। लेकिन आजकल जैसा पैटर्न बन रहा है दोस्तों, आपको ये मानना पड़ेगा जो सबसे पहला जो विंडो आजकल खुलता है वो इंग्लिश लैंग्वेज खुलता है, और जो बंदा पहले एग्जामिनेशन देने के लिए आता है वहां पे बैठता है उसका माइंड पूरा फ्रेश रहता है। अब यहां पे उसको मिल गया बाउंड्री 20 मिनट्स का, अब बाकी जो 20 मिनट्स वो रीजनिंग होगा और बाकी 20 मिनट्स मैथ्स होगा। यार 40 मिनट में तो ऑन एन एवरेज अगर पकड़ लो 25-27 ऐसे तो बच्चे बना ही देंगे, यानी दोनों को मिला के ऑन एन एवरेज 55 अटेम्प्ट्स तो कर ही देंगे, एक अच्छा खासा लड़का इतना अटेम्प्ट्स बना ही देगा। अब फर्क जो डालता है दोस्तों 20 मिनट जो हमें हम बंधे हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, हम चाहे भी तो शिफ्ट नहीं कर सकते। इससे पहले बता देता हूं कि मैं उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूं जो मैं बताता हूं आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो 20 मिनट का जो हमें टाइम मिला इंग्लिश लैंग्वेज में, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, मान लो हमें 15 क्वेश्चन का आंसर आया, तो बाकी 15 क्वेश्चंस हम सोचते हैं कि 15 क्वेश्चंस में भी हमें सेक्शनल बी पार ना करवाए, तो बाकी ये जो 15 क्वेश्चंस है ना ये 10 मिनट के अंदर बन जाएंगे, ये 10 मिनट के अंदर तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 7 मिनट के अंदर बन जाएंगे, 7 मिनट से 10 मिनट के अंदर बन जाएंगे। बाकी जो टाइम बचा है 10 मिनट्स और जो क्वेश्चंस बचा है 15 क्वेश्चंस, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम गेस वर्क कर देते हैं। ये सही बात है, मैं खुद करता था, लेट मी टेल यू, एक साल पहले ऐसा होता था, ये फैक्ट है, आपको समझना पड़ेगा, दिल पे हाथ रख के ये समझना पड़ेगा कि नहीं ये बंदा जो बता रहा है वो सही है। लेकिन माइंड यू मैं जो बता रहा था ना अभी कि कुछ बताऊंगा करके, मैं उन लोगों को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा हूं। देखो जैसा कि मेरा फेवरेट है मैथ्स, बहुतों का फेवरेट हो सकता है इंग्लिश, इंग्लिश में एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो सकते हैं वो लोग, मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूं, वो तो बनाएंगे वो 30 क्वेश्चंस क्या, वो तो मतलब 25 तो ऑन एन एवरेज बनाएंगे बिकॉज उनका स्ट्रेंथ इंग्लिश है, ठीक है ना, उनका स्ट्रेंथ इंग्लिश है। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं या किसी पे कुछ मतलब थोप नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेंथ हो सकता है, इंग्लिश स्ट्रेंथ हो सकता है, बट ऑन एन जनरल की बात करें, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ो इनकी, अब ऑन एन जनरल की बात करें दोस्तों, तो यही हालचाल बनता है और इसी के कारण हमारा जो अटेम्प्ट्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, हमारे जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि आप 85 बना के भी आप मुझे क्यों पूछते हो कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यार तुम छोड़ दो अपना अटेम्प्ट्स छोड़ दो, और आपको कोई पूछता है कि 85 बनाया हूं होगा कि नहीं होगा, वो बोलेगा यार पक्का होगा, तू हमें क्या चिढ़ा रहा है क्या, बात समझे ना। इसका मीनिंग है दोस्तों 85 बनाने वाला बंदा भी अगर तुम्हें पूछ रहा है दैट मीन्स ही इज नॉट दैट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। अगर एक बंदा 85 बना के अगर पूछ रहा है यार और क्या, मैं बताऊं आपको, बंदा 94 बना के भी पूछते हैं कि भैया हमारा होगा, यार तुम्हारा होगा, अगर तुम पूछ रहे हो ना तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं संकोच है, कुछ तो आपने फिर लोचा किया है, फिर यही चीज हो जाता है। लेकिन एनीवेज मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 69 अटेम्प्ट किया है। देखो अपना लेकुना जो है वो सबको अपना अपना पता रहता है, और जो दर्द होता है सबको पता रहता है, 69 अटेम्प्ट किया है, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता था, 80 प्लस हो सकता था, बट जैसे कि मैं आपको बता देता हूं ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा जॉब हो गया था और मैं आप लोगों के लिए वीडियोज बनाता हूं, आप लोगों के लिए क्या करता हूं वीडियोज बनाता हूं, तो वीडियोस बनाने के चक्कर में दोस्तों मैं उतना ज्यादा अपना जो प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ 16 अटेम्प्ट्स बनाया था और काफी स्लो हो गया था मैं, बिकॉज देयर वाज नो प्रैक्टिस।
तो प्रैक्टिस नहीं है ना दोस्तों, तो ये सब हालचाल ही बनेगा। तो हाँ, ये बात है कि सही बात है कि एक्यूरेसी अच्छा रहता है और रहेगा भी, और 16 अटेम्प्ट्स में भी एक्यूरेसी अच्छा है। लेकिन फिर भी ये बताता हूँ दोस्तों, अगर मैं सबका बात करूं तो काफी लोगों ने देखो, और एक चीज बता देता हूँ, लेट मी मेक इट क्लियर, जो पेपर मैंने कल देखा ना NICL का, मुझे काफी खराब लगा, काफी खराब लगा, क्योंकि एक ऐसा पेपर था जहां पे मैं कसम से बता रहा हूं, दिल पे हाथ रखकर बता रहा हूं, और क्या बताऊं मैं आपको, ये जो है ना, ये इंट्यूशन की बात है, NICL में कसम से बता रहा हूं दोस्तों, ये ना 80+ अटेम्प्ट करने वाला पेपर था ये, कसम से, आप माइंड करो या ना करो वो आपके ऊपर है, बट 80+ बनाने वाला पेपर था, काफी हार्ड भी नहीं था, बना सकते थे आप, आराम से बना सकते थे। और अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश भी इजी था दोस्तों, ऐसा नहीं था कि इंग्लिश आप नहीं बना सकते थे, बट बना सकते थे। सो NICL का जो अटेम्प्ट्स है, तो 80+ जिन्होंने किया है, पक्का आप लोगों का होने वाला है दोस्तों। जिन्होंने 70+ बनाया है, मैं समझता हूं कि 70+ होना चाहिए, नहीं होगा तो वो मुझे नहीं पता, बट होना चाहिए। और 65-70 जो होता है दोस्तों, ये दो धारी तलवार होता है कि होगा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस पे मैं ये एक चीज बोलूंगा कि आपको मेंस लेवल के प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पे एक भी एक चर्चा होती है काफी लोगों का, तो मैं ये बता देता हूँ, 80+ बंदा अगर किसी ने बनाया है, तो यार अगर आपका 80% एक्यूरेसी भी है, तो यार आप कर लो, आप प्रिपरेशन कर लो। अगर 70+ बनाया है तब भी प्रिपरेशन करो, 65+ बनाया है तब भी प्रिपरेशन करो, क्योंकि भाई आगे बहुत एग्जाम है, SBI का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें मदद करेगा ही करेगा। कतार में आएगा, क्योंकि अब सिंडिकेट निकलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा निकलेगा, तो ये तो वही टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आपको समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और परखना पड़ेगा दोस्तों, कि कंपटीशन हैज बिकम मच टफर। और यहाँ पे माइंड यू 60% वाले बंदे ही एग्जामिनेशन दिए हैं, यानी जिनका ग्रेजुएशन में 60% था, तो आप समझ पाते हैं वो अच्छे खासे लड़के ही हैं। तो एनीवेज, अगर मैं समराइज करूं इस सेशन का, तो मैं इतना कहूंगा कि अगर आपने पक्का 80+ बनाया है, तो आपका सिलेक्शन पूरा पक्का है भाई, मत भटको, वो भटकती आत्माओं की तरह मत भटको, आपका सिलेक्शन पक्का है, आप मेंस की तैयारी करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज मार्च 2 में आपका परीक्षा है, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिला है, 28-29 दिन मिला है, और फरवरी जो है ये समझ जाओ कि 28 दिन का ही है, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं दोस्तों, मार्च 2 आपका टारगेट होना चाहिए 80+ अगर आपने बनाया है, तो 70+ बनाया है तब भी आप इस कैटेगरी में हो, आप पक्का कर पाओगे, पक्का पक्का कर पाओगे। और जिन्होंने 65+ बनाया है, एक्यूरेसी 90% है, तो भी आप पक्के इस कंपटीशन में हो, समझ गए ना। तो अगर इस वीडियो के जरिए किसी को खराब लगा है या कुछ लगा है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मेरा जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो यही है कि मैं काफी जेन्युइन हूं, मैं काफी डाउन टू से बात करता हूं और काफी प्रैक्टिकल बातें करता हूं। तो इसी हिसाब से इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा, आशा करता हूं, भरोसा करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो के जरिए अपने प्रिपरेशन को फिर मतलब स्टार्ट कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक SBI का जो सीरीज हमारा चल रहा है दोस्तों, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो देख लीजिए, बिकॉज अभी तक 7 वीडियोज आ चुके हैं, तो आने वाले कई दिनों तक कई सारे वीडियोज चलेंगे। तो एनीवेज, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।